आप अपने इर्द गिर्द देखो, आप दर्जनों और सैकड़ों लोग देखेंगे कि वो अपने फेलियर के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं, वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, वो अपने दोस्त को ब्लेम करते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, और जितना ये ब्लेम करते हैं तो उतना ज्यादा ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो, अपने आप को ब्लेम करो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो गए और आप उसके लिए किसी और को ब्लेम करेंगे तो क्या उसकी वजह से आपका मुश्किल हल हो जाएगा? क्या उसकी वजह से आपका टेस्ट पास हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो दोस्तों, नाकामी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन तुम्हें अपने गलती का इल्जाम किसी और पे नहीं लगाना है, बल्कि अपने आप पे लगाना है कि मैंने ये गलती की, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ और मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ। आप उसके लिए किसी और को ब्लेम मत करें। उसके लिए आपके वालिदैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आपका गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट है, अगर सिस्टम में कोई गलती है, अगर गवर्नमेंट में कोई गलती है, तो तुम्हें उससे अपने आप को अवेयर करना होगा, तुम्हें प्रोएक्टिव बनना होगा, तुम्हें उसका शिकार नहीं होना है। तुम किसी और को ब्लेम करना छोड़ दो, अपने आप को ब्लेम करो और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। और जितना आप अपने आप को ब्लेम करेंगे चीजों के लिए, तो उतना आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उतना आप खुश होंगे। जितना आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, जितना आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करेंगे, तो उतना ज्यादा चीजें आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, उतना ज्यादा आप किसी और पे इल्जाम लगाएंगे। लोगों के जिंदगी में ऑलरेडी हजार मसले है, वो आपके मसले सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। तुम्हारे ख्वाहिशात और जरूरियात के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसी और के लिए अहमियत नहीं रखते, वो आपके लिए अहमियत रखते हैं। तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। अगर तुम उसको पूरा नहीं कर सकते, तो किसी और को ब्लेम करना छोड़ दो, अपने आप को ब्लेम करो कि मुझ में कोई गलती है, मुझ में कोई कमी है, मैं ये पूरा नहीं कर सकता, मुझे अपने आप पे काम करना होगा, मुझे अपने स्ट्रेंथ पे काम करना होगा कि मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि अपना जरूरियात और ख्वाहिशात पूरा कर सकूं, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। जिंदगी में 10% खुद होते हैं और 90% हम डिसाइड करते हैं। शिकायत और इल्जामात के बजाय सीखने पे तवज्जो करो, नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी पे फोकस करो। ये दुनिया वैसी है जैसे तुम सोचते हो। अगर तुम्हारा सोच अच्छा है, तुम अच्छे लोगों से मिलते जुलते हो, तो तुम्हारे इर्द गिर्द पॉजिटिविटी होगा। अगर तुम नेगेटिव हो, तुम्हारा सोच नेगेटिव है, तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी नेगेटिविटी होगा। तुम जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखेंगे कि वो एक ही एज में बड़े होंगे, वो एक स्कूल से ग्रेजुएट होंगे, लेकिन फिर एक कामयाब होगा और दूसरा नाकाम। ये सिस्टम की वजह से नहीं है, ये गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। एक को जो माहौल दिया था, वो दूसरे को भी दिया था। अगर कोयला एक के लिए था, तो वो दूसरे के लिए भी था। चीजें दोनों के लिए सेम थे, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होगा। ये सिर्फ उन दोनों की सोच की वजह से होगा। एक ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, अपने आप पे काम किया, रिस्पॉन्सिबल बन गए, तो उसने अपने आप को कामयाब पाया। और दूसरे ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड किया और दूसरों पे इल्जाम लगाया, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर तुम अपने घर के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सकते, अगर तुम अपने जरूरियात और ख्वाहिशात पूरे नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके जरूरियात और ख्वाहिशात आपके लिए अहमियत रखते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो, अपने आप को ब्लेम करते रहो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, अपने लिए एक हाई वैल्यू क्रिएट करो। लूजर को मत देखो, विनर को देखो। अगर आपने अपने आप को ब्लेम किया और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, अपने स्ट्रेंथ पे काम किया और अपने लिए एक हाई वैल्यू क्रिएट किया सोसाइटी में, तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, आपके जिंदगी में बहुत खुशी आएगा।